बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा और विजय राज की नई वेब सीरीज मर्डर इन माहिम ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है। इस वेब सीरीज को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। वेब सीरीज के रिलीज से ठीक एक दिन पहले आशुतोष राणा और विजय राज ने मीडिया से बात की। इस दौरान दोनों ने वेब सीरीज की विशेषताएं तो बताई ही, साथ ही राणा ने यह भी बताया कि यह वेब सीरीज कैसे आपके आसपास घूमती नजर आएगी। बाकी आशुतोष राणा और विजय राज के बारे में आप पहले से ही वाकिफ होंगे, तो देखिए ये खास बातचीत। देखिए ये मर्डर मिस्ट्री है और जैसा कि पूरा का पूरा इसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, इमोशन और क्राइम है। ओके। तो जब भी कभी अपराध के साथ भावनाएं जुड़ती हैं, इमोशन जुड़ते हैं, तो उसमें सस्पेंस और थ्रिल अपने आप आ ही जाता है। मैं इसमें पीटर फर्नांडिस नाम के एक जर्नलिस्ट का किरदार कर रहा हूँ, मतलब मैं आपका ही रोल कर रहा हूँ। अच्छा। कि जो रोल किरदार आप लोगों का होता है जी। तो जो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच होती है किसी भी रहस्य तक, किसी भी सस्पेंस तक पहुँचने का, तो एक उस किस्म के किरदार को मैं कर रहा हूँ जो रिटायर्ड है और उसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। ओके। क्योंकि वो अब जिस तरीके का जर्नलिज्म वो देखता है पीटर फर्नांडिस, तो वो ये फैसला करता है कि यार अगर ये जर्नलिज्म की आज की तारीख में अगर ये अप्रोच हो गई है, तो फिर बेहतर है कि मुझे बहुत सुखपूर्वक अपने घर में अपना काम करना चाहिए, अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। तो फैमिली मैन है, पत्नी है, बच्चा है उनका, और वो अपना पूरा का पूरा जीवन बहुत अच्छे से जी रहा है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि फिर उसको जर्नलिस्ट ना होते हुए जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ उस पूरे के पूरे मामले को निपटाने के लिए अपने आप को एक्टिव करना। तो आपका कोई ड्रीम रोल है जो आप कर चुके हैं या करना चाहते हैं? अभिनेताओं की सबसे अच्छी बात होती है कि उनके बहुत सारे सपने होते हैं, राइट? और सपने लगातार पूरे करते रहने की प्रक्रिया का नाम ही जीवन है। तो बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे स्वप्न हैं जो मैं करना चाहता हूँ और परमात्मा की कृपा से वो हो रहे हैं पूरे लगातार। सर आपको कोई ऐसे आगे हम कोई प्रोजेक्ट में देखेंगे जिसमें आप कुछ नया हमें देखने को मिलेगा सर? मतलब इसी प्रोजेक्ट में देखेंगे, जैसे आपने कहा कि हमेशा हमको आपने ओवर पावरिंग रोलों में देखा है। हाँ हाँ। तो इसमें जो मर्डर इन माहिम में आप देखेंगे जो पीटर फर्नांडिस है, वो बहुत ही सबड्यूड कैरेक्टर है। Okay. और बहुत लो प्रोफाइल पे और लो की वाला किरदार है जो बहुत अपने हिसाब से अपने, इसमें आपको पावर नहीं दिखेगा। ओके। हमारे किरदार में, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अच्छा। तो वो जो डिफरेंस होता है पावर और स्ट्रेंथ के बीच का, वो आपको इस कैरेक्टर में निश्चित रूप से देखने मिलेगा। साथ में अभी जियो के ऊपर ही हमारी अभी 25 तारीख को रणनीति नाम की गई है, तो जी। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इन दोनों किरदारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखिए, आप पाएंगे कि बिल्कुल उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जो रणनीति का रकीब है और मर्डर इन माहिम का जो पीटर है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये तो किसी भी अभिनेता के लिए गर्व की बात है, आनंद का विषय होता है। यस। और आप दोनों बहुत ही बड़े अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताए साथ काम करने का, कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई मुझे तो मेरा आधा काम बहुत आसान हो गया, जैसे ही हमने जब देखा कि हमारे मित्र विजय राज, और विजय बहुत फितरती और बड़े गुणी और बड़े चमत्कारी अभिनेता हैं, और इनके अंदर जो गुण हैं वो ये है कि ये किसी भी मोमेंट पे आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो आधा काम किसी भी को एक्टर का इनके साथ अपने आप में सफल हो जाता है, यदि वो इनको बहुत सजगता से देखता रहे तो। आप देखेंगे कि अपना काम तो करते ही करते हैं, लेकिन सामने वाले एक्टर के अंदर भी बहुत सारे काम अपने आप निकलवा लेते हैं। तो ईमानदारी की बात है कि मेरा आधा काम इन्होंने किया है और वो आपको देखने मिलेगा। सर आप बताएं, होता है मतलब जब अपना काम जो थोड़ा बहुत भी जानता है अभिनेता, तो जब इस तरह के साथ में जब काम करने का मौका मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, तो वाकई काम आसान तो हो ही जाता है। मुझसे इनका कितना आसान हुआ ये मुझे नहीं पता, बट हाँ आसान तो होता है। सर सीरीज में LGBT सब्जेक्ट के बारे में भी बात की है, बताया है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए इसमें एक क्योंकि सीरीज में आप अगर देखेंगे तो जो विजय का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में आपको थ्रू आउट क्राइम की इन्वेस्टिगेशन दिखाई दे, राइट?
लेकिन जब हम मर्डर इन माहिम में घुसते हैं तो आपको पीटर के किरदार के जरिए सिर्फ आपको मर्डर नहीं दिखाई देगा, जो सोशल इंजीनियरिंग होती है, जो सामाजिक विषय, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उस समय का जो सामाजिक परिवेश है, ये तमाम चीज़ें, लोगों के आपसी रिलेशनशिप जो हैं, फिर उनके अंदर की अपनी महत्वाकांक्षाएं, उनके अंदर की अपनी एस्पिरेशन, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत दिखाई देंगी। और मेरा ये मानना है कि उसमें एक विषय यह भी आता है जो LGBT के आप और हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इसको निकाल के लेके आए हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं राज, तो okay. राज ने इसको बहुत अच्छे से, बड़ा सेंसिटिव विषय है राइट और साथ में बड़ा रोमांचकारी विषय है राइट थ्रिलिंग है राइट तो सेंसिटिव विषय को और थ्रिलिंग विषय को और एक मिस्ट्री को अपने आप में प्रेजेंट करना और फिर उसको अनफोल्ड करना, ये डायरेक्टर और लेखक ने इतने अच्छे से किया है कि आपका आधा काम आसान हो जाता है किसी भी अभिनेताओं का, जब ये तमाम चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छे से पिरोई गई हैं। जी सर, आप मानते हैं कि जब कोई सीरीज या मूवी शूट होता है तो एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके अंदर से वो चीज़ बाहर निकालने के लिए? डायरेक्टर का ही रोल होता है, अगर आप वो डायरेक्टर चाहे तो वो लकड़ी से भी इतना प्रभावशाली काम करवा लेता है, वुडन लॉग से, कि आपको ये लगेगा कि यार ये कितना चमत्कारी काम किया है। तो डायरेक्टर और लेखक, हम लोग, आपने एक देखा होगा, एक होता है आर्किटेक्ट, जब भी कभी कोई बिल्डिंग बनती है तो आर्किटेक्ट नक्शे बनाता है राइट, लेकिन उस नक्शे को एग्जीक्यूट करने का काम मिस्त्री करता है राइट। तो अभिनेताओं को आप मिस्त्री और मजदूर माने और निर्देशक और लेखकों को आप आर्किटेक्ट माने कि उन्होंने जो नक्शा दिया उस नक्शे के मुताबिक एक से एक ईंट बिल्कुल उसी जगह जमा के रखने का काम मिस्त्रियों का होता है। तो अभिनेता जो होते हैं वो मिस्त्री और मजदूर के जैसे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।